भाई साहब साइज देख रहे हो तुम इस मॉनिटर का, टेबल पे भी नहीं आ रहा सही से। एक्चुअली टेबल पे तो आ रहा है लेकिन कैमरे के फ्रेम के अंदर नहीं आ रहा। क्या ही करें अब जगह इतनी है भाई पे तुम्हारे, बढ़ा लेंगे धीरे धीरे। बाय द वे ये अपने चैनल का ना यार पहला 4K मॉनिटर का रिव्यू है, तो मतलब तुम कह सकते हो तुम्हारा भाई ना एक्साइटमेंट के साथ साथ फुल अमीरी भी फील कर रहा है, क्योंकि भाई अब तक मैं 1080p वाला मॉनिटर यूज किया करता। ऑफ कोर्स उसका रिफ्रेश रेट वगैरह सब कुछ ज्यादा था, उसका रिव्यू भी है अपने चैनल के ऊपर, यहीं गई तो मैं लिंक दिख रहा होगा, जाके उसको भी देख लो। तो भाई ये जो मॉनिटर है ये हमारे पास है BenQ कंपनी की साइट से, जिसका मॉडल नंबर है EW3270U। इस मॉनिटर को लॉन्च हुआ ना कम से कम भी 4 से 5 साल हो गए होंगे शायद, हो सकता है एक आधा ऊपर नीचे हो, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। तो आज भी जाकर तुम जाओगे ना 4K मॉनिटर सर्च करने अंडर 30,000 रुपीज, दूसरे या तीसरे नंबर तक तो तुम्हें शो हो ही जाएगा। BenQ कंपनी का भाई ये बहुत लंबे टाइम से चला हुआ मॉनिटर है और आज तक चलता ही जा रहा है, क्योंकि पहली बात तो तुम सबको पता है यार 4K का जो मॉनिटर होता है ना 4K, वो भी 32 इंच साइज देख रहे हो तुम इसका। अगर मैं तुम्हें फ्रेम के अंदर दिखाऊं तो टीवी से कम नहीं है ये, इसका साइज देखो यार लिटरली, ये पीछे की साइड में 55 इंच का टीवी है और ये 32 इंच है, तो तुम सोच लो एक्चुअली थोड़ा सा दूर है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये भी देखो यार कितना ही बड़ा मॉनिटर है ये, टीवी से कम की फील नहीं देता अगर पास बैठ के इसका यूज करो तो। तो जो ये मॉनिटर है ना भाई, तो मेनली ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए और जो कैजुअल टाइप की गेमिंग करते हैं उनके लिए है। अब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्यों है, क्योंकि भाई तुम देख सकते हो 32 इंचेस वो भी 4K में अच्छा खासा वर्क स्पेस मिल जाता है। मान लो तुम एडिटिंग वगैरह करते हो, कुछ भी करते हो, कोडिंग वगैरह करते हो या कैजुअल गेमिंग करते हो इवन के, या मल्टीटास्किंग वगैरह टाइप के कुछ भी टास्क कर रहे हो, तो तुम्हें बढ़िया स्पेस मिल जाएगा जिससे कि तुम इवन के मल्टी एप्लीकेशंस भी खोल के तुम इस पे साथ साथ काम कर सकते हो। थोड़ी विंडो का साइज तुम अपना सेट करके भाई दूसरी एप्लीकेशन खोल सकते हो, दूसरी विंडो के अंदर तुम्हें बढ़िया वर्क स्पेस मिल जाता है। ट्रस्ट मी, मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ तो मुझे तो इसकी भाई तगड़ी आदत लग गई। अगर मैं इससे छोटी स्क्रीन पे अब काम करने बैठता हूँ ना मेरे तो भाई फिर जाती है बस आके। तो भाई अच्छा खासा वर्क और साथ में बढ़िया स्क्रीन साइज भी मिल जाता है। इसके इनबॉक्स कंटेंट्स क्या कुछ आते हैं हमें देखो, इसका बॉक्स तो मेरे पास है नहीं क्योंकि कुछ टाइम से यूज कर रहा हूं, और इतना बड़ा बॉक्स यार घर पे उठा के घर वाले फेंक देते हैं, तो मैं सच बताऊं तो जो चीजें हमें मिलती है एक बार उन पे नजर मार लेते हैं। तो भाई एक तो मिल जाता है देखो हमें ये मॉनिटर जो कि तुम्हारे बिल्कुल जस्ट सामने है, इसके बारे में इन डेप्थ अभी बात करेंगे, अब इसको साइड में कर देते हैं एक सेकंड के लिए। दूसरी ये चीज मिल जाती है हमें Type-C to Type-C केबल, इस मॉनिटर के अंदर टाइप सी का भी पोर्ट दे रखा है, और एक ये केबल मिल जाती है यार जिससे कि सच बताऊं मेरा कोई खास मैं हूं नहीं इससे खुश, ये अब तक यूं क्यों रखे मैं इवन के इसको यूज भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो हमें केबल मिलती है ये वाली, ये मिलती है भाई हमें जो तुम इधर दिख रहा होगा तुम्हें जो ये केबल है, एक साइड से तो भाई डिस्प्ले पोर्ट है और दूसरी साइड से यार MDP मतलब कि मिनी डिस्प्ले पोर्ट वाली केबल है, क्योंकि तुम जानते हो ये मॉनिटर आज से कई साल पहले लॉन्च हुआ था, तो भाई उस टाइम पे पता नहीं कौन से ग्राफिक कार्ड्स ऐसे कौन से आते थे जिनके अंदर ये मिनी डिस्प्ले पोर्ट वाला पोर्ट पीछे ग्राफिक कार्ड्स के अंदर देते थे। मेरे पे 2-3 ग्राफिक कार्ड्स हैं, 2-3 PC है मान लो, तो उनमें किसी में भी नहीं लगता ये वाला, लेकिन तुम्हारे पुरानी डिस्प्ले पोर्ट वाली केबल होगी ना DP to DP केबल, वो वाली लगा लेना एकदम मक्खन काम करेगी वो इसके साथ। एक ये मिल जाती है हमें पावर कोड। अब इसके साथ भी क्या दिक्कत है, ये तो मैं दिख रहा है साइज इसका स्टैंडर्ड साइज नहीं है ये भाई, 16 एम्पियर वाला सॉकेट बना के दे रखा है, जैसे कि AC वैसी लगाते हैं ब्लोवर वगैरह होता है ना सर्दियों में यूज करते हैं उस साइज का। 76 वोट का मॉनिटर है यार, 76 वोट इसकी पावर कंजप्शन है और तुम उसके साथ ऐसी पावर कोड वाला वो दे रहे हो, कहां लगाएंगे हम इसे। इसको लगाने के लिए जो नॉर्मल स्विच है ना उसके अंदर फिट नहीं होता है, पावर प्लग के अंदर ही जाएगा। अब हर जगह इस मॉनिटर के लिए पावर प्लग के लिए रिक्वायरमेंट है नहीं, तो छोटा देना चाहिए था, लेकिन इसका भी जुगाड़ है यार जो इस टाइप का कनेक्टर होता है ना, ये मल्टी प्लग टाइप इसको बोलते हैं, तो ये 16 एम्पियर to 6 एम्पियर वाला कन्वर्टर वाला वो होता है ना, वो ले लेना एक 100-150 रुपए का, ये ले लेना, ये काफी हैंडी भी रहेगा तुम्हारा इसके साथ। तो इन सारी चीजों को कर देते हैं एक बार साइड में और अपना मॉनिटर करते हैं स्टार्ट। इन केबल्स के साथ एक क्विक स्टार्ट गाइड भी आती है, उसका भी डब्बे की तरह हमें नहीं पता कहाँ है, वो भी पड़ी होगी इधर कहीं, मैं बताऊंगा ना भाई तुम्हें उसकी क्या ही जरूरत है, हम बताएंगे तुम्हें। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी अगर बात करें ना भाई, इसकी आउटर्स पे नजर मारते हैं सबसे पहले, बाद में इसकी डिस्प्ले की बात करेंगे, इसकी अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई ऑलमोस्ट सारा मॉनिटर डिस्प्ले को छोड़ के प्लास्टिक बिल्ड का है, और जो इसके बेजल्स हैं भाई ये भी स्टैंडर्ड साइज के हैं, मतलब यूं नहीं कह सकते कि थिन बेजल्स हैं या फिर ज्यादा ही थिक बेजल्स हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है स्टैंडर्ड सा साइज है, लेकिन भाई ये तुम्हें नोटिस ही नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि जो तुम्हें स्क्रीन साइज मिल जाएगा ना, और इसको अगर तुम 2-3 दिन यूज कर लोगे भाई, इतनी बड़ी डिस्प्ले है इस पे से नजर हटे ही ना तुम्हारी, तो साइड में तो तुम क्या ही देखोगे, मतलब चाहे तुम काम करते हो या फिर इवन के गेमिंग वगैरह करते हो कुछ भी करते हो, ट्रस्ट मी मेरा एक बार भी इसके बेजल्स के ऊपर ध्यान नहीं जाता है तो तुम्हारा भी नहीं जाएगा, लिख के दे सकता हूँ ये चीज तो मैं।
बिल्ड है जैसे प्लास्टिक की बिल्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नकली सा प्लास्टिक यूज कर रखा है भाई, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज कर रखा है। अगर इसकी वोबलिंग भी तुम्हें मैं दिखाऊं, एकदम से रुक जाता है तभी तुम्हें दिख जाएगा। जैसे इसकी विड्थ बैक साइड से ये पोर्शन हल्का सा बंप के साथ है, किस वजह से, क्योंकि जो इसका ये वाला एरिया है ना भाई, इसी के अंदर जो पावर सप्लाई रेगुलेशन का जो सिस्टम है ना, वो इसी के बैक साइड के एरिया के अंदर डाल रखा है। अलग से कुछ पावर ब्रिक वगैरह नहीं दे रखी तुम्हें, एडेप्टर वगैरह टाइप में नहीं दे रखा, तो सब कुछ इसी के अंदर है। जस्ट एक हमारी पावर कोड और बाकी इसके साथ लग के इसी के अंदर सब कुछ सेट कर रखा है। और अगर इसके स्टैंड की बात करें, जो इसका स्टैंड है भाई वो भी प्लास्टिक का है, लेकिन तुम्हें भी बहुत इजी लगेगा माउंट करना। देखो इसको यहाँ पे मैं अगर इस पे कर रहा हूँ ना, तो तुम्हें इससे पता चल रहा है कि प्लास्टिक बेल्ट में बना रखा है, जिससे कि इसका वेट मैनेजमेंट भी ठीक रहता है, ओवर वेट नहीं हो जाता, बढ़िया है, मतलब कि वेट मैनेजमेंट भी बढ़िया दे रखा है करके। इसके अंदर 7-7.5 किलो विद स्टैंड इसका वेट है, उसके बिना इसका 6-6.5 किलो वेट है। तो भाई बैक साइड में 100x100mm की वीजा माउंट भी दे रखी है, तो मतलब इसको चाहो तो वीजा माउंट के जो स्टैंड होते हैं उस पर भी लगा सकते हो, इवन के वॉल माउंट भी कर सकते हो चाहो तो। टेबल पे हम नहीं रखना चाहते, उस पर लगाना चाहते हो तो उस पर भी लगा सकते हो। कभी तुम प्लास्टिक प्लास्टिक सुनकर डर जाओ, ज्यादातर मॉनिटर्स भाई प्लास्टिक बेल्ट में ही बने होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता है, जो फ्रेम्स होते हैं ना साइड्स में, वो भाई मेटल के फ्रेम्स बना देते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं है यार। डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो मैं सच बताऊं तो मेन तो ये चीज मैटर करती है, जो बीच का एरिया है। 3 साल की वारंटी दे रखी है ब्रांड ने, तो दबा के यूज करो, कोई भी दिक्कत तुम्हें लगे 3 साल में अपना डालो मेल वेल, और भाई सर्विसिंग वगैरह देख लेना अपने एरिया के अकॉर्डिंग, जहां तक है कोई दिक्कत नहीं होने वाली 3 साल के अंदर, बढ़िया तुम्हें आराम से या तो रिप्लेस करके देंगे या फिर रिपेयर करके देंगे। और अगर इसकी कनेक्टिविटी की हम बात करें, तो कनेक्टिविटी कुछ इस टाइप में है कि जो तुम ये देख रहे हो मादारा ये जो भी चीज चल रही है ना, ये तुम्हारा भाई तुम्हें जो भी इस टाइम दिखा रहा है डेस्कटॉप के ऊपर, ये लगा रखा हमने HDMI से। और HDMI के पोर्ट है भाई इसमें दो, एक है इसके अंदर डिस्प्ले पोर्ट, और अभी याद होगा तुम्हें मैंने टाइप सी केबल दिखाई थी, तो एक टाइप सी केबल का भी पोर्ट है इसके अंदर, मतलब डिस्प्ले आउट वगैरह टाइप के लिए मैक वैक से अगर कनेक्ट करनी हो तो उस चीज के अंदर काम आ जाएगा ये। लेकिन हाँ, उसके अंदर भाई तुम उस पोर्ट से पावर ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि सोचो कि टाइप सी की कोई दूसरी चीज लगा दी और ये डिस्प्ले उसे पावर देगी और वो चार्ज वार्ज होने लग जाएगी, ऐसे वाला सीन नहीं है, डिस्प्ले आउट के लिए सिर्फ, ठीक है। और एक हेडफोन जैक दे रखा है, वो भी बैक साइड में नीचे की साइड है, तो तुम्हें हेडफोन वेडफोन डायरेक्ट लगाने हो इसके अंदर लगा सकते हो, पीसी के अंदर बैक साइड में ना लगाने हो, डायरेक्ट स्क्रीन के अंदर भी लगा सकते हो, पोर्ट फ्री रहेगा। वहां कोई और हेडफोन लगा लो भाई, इधर कोई और हेडफोन लगा लो, 3-4 है, फ्रंट में लगा लो, बैक में लगा लो, नीचे लगा लो। तो कुल मिला के पोर्ट्स का कुछ इस टाइप का हिसाब है इसका। और एक मॉनिटर की सबसे बढ़िया चीज क्या, उसकी डिस्प्ले, तो उसके बारे में बात करते हैं हम, मतलब ये सब होगी फालतू की चीज है। अब बीच के एरिया की बात कर लेते हैं, मेन जिस पे तुम काम करोगे, जिसको तुम डेली देखोगे, तो उसकी क्वालिटी कैसी है। तो भाई हमारी जो डिस्प्ले है, सबसे पहले भाई ये VA पैनल है, ठीक है। VA पैनल का क्या बेनिफिट हो जाता है, जो फ्रंट से देखते हो ना और तुम साइड से देखते हो, ठीक है, तो साइड से भी भाई तुम्हें बढ़िया व्यूइंग एंगल मिल जाते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं करते। 300 निट्स की ब्राइटनेस दे रखी है ब्रांड ने। और एक और चीज मैंने नोटिस की थी कि ज्यादातर जितने भी मॉनिटर्स है ना 4K में अंडर 30,000, भाई सबके अंदर ही 300 निट्स की ब्राइटनेस है, चाहे व्यू सोनिक का हो चाहे LG अल्ट्रा गेयर का हो, उसमें तो शायद इससे भी कम है, पर वो महंगे भी हैं, एक आधे तो इससे और महंगे हैं यार, जिनमें और ज्यादा दे रखी होगी ना, तुम्हें लगे किसी में 400 किसी में 500 है, तो भाई उनकी फिर कॉस्टिंग भी चेक करना जरूरी है। इस प्राइस रेंज के अंदर इतनी मिल रही है सब में, तो 32 इंच का VA पैनल हो गया, और भाई 4K डिस्प्ले होगी जो कि 60Hz के रिफ्रेश रेट के ऊपर काम करती है। नॉर्मली सारी की सारी गेम्स 4K 60fps के ऊपर चलेंगी, 60Hz के ऊपर चलेंगी एक तरीके से कह सकते हो, तो उस चीज को ढंग से दिखाने के लिए भाई ये मोर देन इनफ है, क्योंकि ये HDR सपोर्टिव भी है, और HDR ऐसा वैसा नहीं, HDR 10 सपोर्टिव मॉनिटर है। अगर तुम्हें नेटफ्लिक्स ला के देखना हो ना भाई, उसमें भी HDR इसमें दिखेगा, मल्टीमीडिया कुछ भी, वेब स्ट्रीमिंग वीडियोस वगैरह देखनी है तुम्हें, सीरीज वगैरह देखनी है, गेमिंग करनी है इसके ऊपर, भाई सारी चीजों में टॉप नॉच है, ट्रस्ट मी। ज्यादा रिफ्रेश रेट चाहिए e-sports के लिए, हाँ एक और चीज, e-sports के लिए नहीं है भाई ये मॉनिटर, अगर तुम मान लो e-sports के प्लेयर हो तो इसको मत कंसीडर करना, तो थोड़े ज्यादा रिफ्रेश रेट वाला ले लेना, उसमें थोड़ा मैटर करती है वो चीज, क्यों मैं तुम्हें झूठ बोल दूं, तो चाहे 2K वाला ले लेना, 165Hz का मॉनिटर मोर देन इनफ हो जाता है, नहीं तो मोस्टली जो e-sports गेमिंग वगैरह होती है ना, वो 1080p और ज्यादा रिफ्रेश रेट के ऊपर ही होती है, तो उसका सीन ही अलग होता है। लेकिन इस मॉनिटर की अप्रोच भाई तुम्हें, जैसा कि मैंने बताया, कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह टाइप के लोगों उनके लिए सही है। मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा कंटेंट तुम देख रहे हो जिसके अंदर HDR नहीं है, जो कि HDR को सपोर्ट नहीं करता, उस चीज के लिए जो मैंने अब तक शायद इसी मॉनिटर के अंदर देखी है, जो मैंने अब तक चेक की है भाई, किसी और के अंदर होगी, इसके अंदर एमुलेटेड HDR का भी सपोर्ट दे रखा है। वो क्या होता है, एक तरीके से तुम कह सकते हो फेक HDR, ठीक है। अब फेक HDR का क्या मतलब है, मान लो तुम कोई कंटेंट ऐसा देख रहे हो या फिर ऐसी गेम खेल रहे हो, गेम्स तो मोस्टली कर जाते हैं फिर भी HDR को सपोर्ट, या फिर कोई ऐसा कंटेंट देख रहे हो, ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो कि HDR को सपोर्ट नहीं करता, तो भाई इसके अंदर यहां पे एक सेपरेट बटन दे रखा है। अगर तुम्हें यहां पे नीचे की साइड दिख रहा है, देखो कलर चेंज हो रहे हैं, यहां पे तुम
तुम्हारे सामने भी कलर चेंज हो रहे हैं। तो HDR को ऐसे ऑन ऑफ कर देता है यहाँ से, ये कितना फर्क दिख रहा है यार, कैमरे के अंदर इतना फर्क दिख रहा है, तो सोचो कितना ही होगा। और इसके डिस्प्ले के ऊपर ना एंटी ग्लेयर कोटिंग भी कर रखी है, जिससे क्या बेनिफिट होगा हमें, जो तुम्हें दिख रही है टीवी के अंदर जैसे तुम्हें रिंग लाइट दिख रही है, वो इसके सामने भी है, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन तुम्हें ज्यादा नहीं दिख रही है। वो किस वजह से? क्योंकि इसके ऊपर भाई एंटी ग्लेयर कोटिंग कर रखी है, जिसका ये बेनिफिट है तुम्हारी स्टूडियो के अंदर एक्स्ट्रा लाइट्स होंगी ना, उसकी रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी इसके अंदर, तो वो भी बढ़िया प्लस पॉइंट है भाई, जिसके लिए इसको कंसीडर किया जा सकता है। जो हमारी ये डिस्प्ले है AMD फ्री सिंक के साथ, फ्लिकर फ्री टैग के साथ, इस टाइप के बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ आती है, उसका बेनिफिट क्या हो जाता है हमें, गेमिंग वेमिंग कर रहे हो, स्क्रीन टियरिंग वगैरह नहीं दिखेगी तुम्हें, सारा गेम प्ले वगैरह ओवरऑल जो तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा ना काफी बढ़िया होगा। और जो हमारी ये डिस्प्ले का जो पैनल है भाई, ये 95% DCI-P3 को सपोर्ट करता है और 100% sRGB को सपोर्ट करता है। उसका क्या बेनिफिट है, जो तुम कलरिंग वलरिंग जो मैं बात कर रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएटर्स जो भी मतलब के एडिटर हो गए, या फिर मतलब कोई भी अपनी खुद की वीडियो चाहे खुद ही एडिट करता हो भाई, उसको कलर करेक्शन वगैरह करने में बहुत हेल्प होगी, ग्रेडिंग में बहुत हेल्प होगी। तो जो इस टाइप के प्रोजेक्ट पे एडोबी प्रीमियर प्रो टाइप के जो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करता है, उसमें जब तुम कलरिंग वगैरह करोगे तो भाई तुम्हारी काफी एक्यूरेट होगी, जो दूसरे की बंदे की आंखों के जब देखेगा ना अपने डिस्प्ले के ऊपर, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ रेड को ढंग से रेड की तरह ही कलर कर रहे हो, और ब्लैक में ब्लैक ही दिख रहा है, और व्हाइट में ढंग से व्हाइट ही दिख रहा है, तो उस चीज का भी बढ़िया बेनिफिट होने वाला है। और मैं भी खुद मोस्टली इसको अपनी वीडियो एडिटिंग में यूज करता हूँ, और साथ साथ कभी कभी भाई PS5 खेलने के लिए भी यूज करता हूँ, पर आजकल खेल नहीं पा रहे हम ज्यादा। एक और खास चीज जिसके लिए BenQ ब्रांड भाई फेमस है, वो क्या है, अपनी आंखों की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, मतलब कस्टमर्स की आंखों की हेल्थ का भाई ये बहुत ढंग से ध्यान रखते हैं। तुम्हारी आईज के कंसर्न के लिए इन्होंने इतनी बढ़िया डिस्प्ले बना रखी है कि इनके पास सर्टिफिकेशन है, एक प्रॉपर जो ग्लोबल अथॉरिटी होती है ना, जो आई सेफ्टी को रिलेटेड लेके काम करती है, तो भाई उससे इनको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जिससे कि जो ब्लू लाइट है जो कि अपने आईज के लिए हार्मफुल होती है, तो उसको बचाने के लिए इन्होंने आर्टिफिशियल, इवन की ये चीज है ना, तो मैं यहाँ पे मैं दिखा रहा था जैसे HDR, तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ब्राइटनेस इंटेलिजेंस ऑन, तो अपने आप ही लो ब्लू लाइट पे भी अपने आप काम करेगा, अपनी आईज के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप वो चीज सेट कर लेगा। और जैसे कि मैंने बताया भाई तुम्हें, पावर कंजप्शन इसकी बहुत कम है, 7648 ड्रॉ करता है, तो बहुत ज्यादा बिल पे भी ध्यान नहीं जाएगा, बिजली का बिल भी तुम्हारा बचाएगा, ठीक है 76 वॉट इतनी तो लेनी भी चाहिए भाई। 4K मॉनिटर है यार, वो भी 32 इंच का, टीवी को टक्कर दे रहा है, तो इतनी तो पावर खाएगा ही। जिसके फंक्शंस है, तो यहाँ से भी तुम यूं मान लो, जो इसके ये डिस्प्ले के बटन्स दे रखे हैं ना नीचे की साइड पे, जो ऑन स्क्रीन डिस्प्ले के जो बटन होते हैं, जो मेन्यूज वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पे भी काफी चीजें तुम सेट कर सकते हो, जैसे कंट्रास्ट सेट कर सकते हो, सैचुरेशन सेट कर सकते हो, तो ये बटन दे रखे हैं, इवन के ऑन ऑफ का बटन भी दे रखा है, तुम यहीं से यहाँ पे इस तरीके से ऑफ और इस तरीके से ऑन भी कर सकते हो, कर लोगे तुम आराम से यार, जैसे बेसिक होते हैं। हाँ एक चीज और हो सकती थी, इसका रिमोट दे सकते थे, है ना, 30,000 रुपए ले रहे हो लगभग, एक रिमोट दे देते। वैसे सच बताऊं ना 30 की नहीं पड़ती है, मैं एग्जैक्ट जो आज की डेट में इसका प्राइस चल रहा होगा ना 27,000 से 28,000 रुपए चलता है नॉर्मली, लेकिन फिर भी अगर सेल वेल आती है ना, मान लो बढ़िया बढ़िया सेल आ जाती है जैसे साइट्स के ऊपर, तो भाई उस टाइम पे इसका प्राइस हमें ना 24,000 से 25,000 के अराउंड मिल जाती है। तो अगर ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो तो भाई वेट कर सकते हो सेल का, नहीं तो भाई कोई कमी नहीं है, बेशक 27,000 से 28,000 के अंदर भी लेना होना तुम्हें, अंडर 28,000 भी अगर तुम्हें कोई 4K मॉनिटर लेना है बढ़िया काम वाम के लिए, और बेसिक गेमिंग के लिए, कैजुअल गेमिंग के लिए, ई स्पोर्ट्स के लिए नहीं, तो भाई इसको आराम से खरीद सकते हो, कोई इशू नहीं है। और हाँ अगर लेने का मन कर जाए कि हाँ बढ़िया मॉनिटर लग गया, पसंद आ गया, कलर्स वलर सब बढ़िया है, एनिमे वैनिमे देखना है बढ़िया 32 इंच में, तो भाई अगर लेने का मन करे तो नीचे लिंक दे रखा है वहां से ले लेना, थोड़ा सा हमारे चैनल को फायदा हो जाएगा, एक आधी चीजें और एक्स्ट्रा मंगा के तुम्हारे लिए रिव्यू बना देंगे बस। और सोशल हैंडल्स भी है भाई, वहां भी जाके फॉलो कर सकते हो, और वीडियो को भी लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो भाई बस इतना ही, पता नहीं अब छोटा रिव्यू है बड़ा रिव्यू है एडिट करने के बाद पता चलेगा। तो चलते हैं भाई, बंद करते हैं वीडियो, कोई दिक्कत लगे, कुछ पूछना हो किसी प्रोडक्ट के बारे में जो मैं यूज करता हूँ उसके बारे में बता पाऊंगा भाई, जो नहीं भी करता हूँ उसके बारे में पता होगा तो वो भी बता दूंगा तुम्हें, ऑडियो मैसेजेस वगैरह में बता दूंगा। तो यहाँ पे नीचे तुम्हें ID दिख जाएगी भाई की, Instagram की, वहां पे आ जाना, मैसेज कर देना, फॉलो भी कर लेना प्लीज़।